قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بلوغ जो मोमिनों के दरमियान बुराई फैलाने को पसंद करते हो उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में। अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। लाइक सद एहतराम सदर मोहतरम हामिलीन कुरान बुजुर्गाने मिल्लत परदानशीन खवातीन, सबसे पहले मैं हमारे बुज़ुर्गों से और मिल्लत की ख़वातीन से माफ़ी चाहूँगा कि उन्वान की निस्बत से हो सकता है मेरी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो सख्त हों, हो सकता है कुछ तकलीफ़देह बातें निकले। बावजूद इसके अल्मुमिनु मिरअतुल मुमिन के तहत अगर मेरे लिए कोई इस्लाही पहलू आपकी नज़र में हो तो आप लोग बता सकते हैं। इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला ने जिस दीन को दे करके भेजा है ये असल में क्या है? इस्लाम ये उस ज़ाब्ते का नाम है, उन उसूलों का नाम है, उन लॉज का नाम है जो इंसान को इस दुनिया के अंदर जीने के तरीके बताता है। अगर हम मुख्तसर से तौर पर ये सोचें तो बजाना होगा कि इस्लाम ये बताता है कि हम इस दुनिया के अंदर कैसे रहें, इस दुनिया के अंदर कैसी ज़िंदगी गुजारें, इस दुनिया के अंदर हमारे लिए कामयाबी और नाकामी के असबाब और रास्ते क्या हैं। इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है कि जिसने दुनिया के अंदर हर शोबे के अंदर मुसलमानों को रहनुमाई की है, मुसलमानों को उसूल बताए हैं कि अगर तुम घर में हो तो तुमको ऐसा रहना है, अगर तुम बाजार में हो तो तुमको ये करना है, अगर तुम अपनी तिजारत पे हो तो तुम्हें ये करना है, तुम जहाँ कहीं हो इस्लाम ने इसके उसूल बताए हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये उसूल कामयाबी की राह को हमवार करते हैं। एक मुख्तसर सी मिसाल के मिसाल से हम समझ सकते हैं। मैं अगर सवाल करूं कि एक शख्स है
जिसके पास एक कार है, BMW कार, अब उसकी गाड़ी खराब होती है और वो जाता है एक मोटरसाइकिल के गैरेज पे, अपनी कार लेकर जाता है, क्या ख्याल है क्या उसकी कार बनेगी? नहीं बन सकती, इसलिए कि सबसे पहले उसे इस बात का इल्म होना चाहिए कि उसका सलूशन कहां पर है। एक मुख्तसर सी कार जिंदगी की दौड़ में एक सवारी, जिसका सलूशन पता न किए बगैर वो उसको सही ढंग से अदा नहीं कर सकता, कामयाब नहीं हो सकता, भले फिर वो कितने ही तरीके से आजमाए। साइकिल वाले को बोलेगा, मोटरसाइकिल वाले को बोलेगा कि मेरे कुछ तो मशीनरी लगाओ, कुछ तो करो, नहीं। इसका हल उसके मैन्युफैक्चरर के पास सबसे ज़्यादा होता है, उसकी कंपनी में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ वो बनी है। कंपनी को पता है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन क्या है, वो ये भी बताएंगे कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने हम तमाम लोगों को पैदा किया है, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, यहूदियों को, मजूसियों को, हर एक को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया है। और अल्लाह तबारक व ताला ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इसको एक उसूल के तहत जमा करके इंसानों के हाथ में क़यामत तक के लिए दिया है, इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है, जिस चीज़ के बारे में बताया है, वो कामयाबी का रास्ता है, और इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में रोका है वो कभी भी उस रास्ते पर चलकर कामयाब नहीं हो सकते। अलगर्ज, कहने का मकसद, तमहीद का मकसद ये है कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है पूरे मज़ाहिब के अंदर कि क़यामत तक आने वाले नस्ल को वो राह हिदायत है। इसने जहाँ बहुत सारे शोबों के अंदर हम मुसलमानों की रहनुमाई की है, वहीं पर हम मुसलमानों को माशरे, अपनी सोसाइटी को पुरअमन कैसे रखा जाए, इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया है। माशरे के अंदर अमन कैसे कायम किया जाए, इसके बारे में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। माशरे के अंदर बुराई को ख़त्म करके बुराई को जड़ से कैसे काटा जाए, इसके बारे में इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इस्लाम एक उसूल बताता है, अल्लाह तबारक व ताला एक उसूल बताते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि बुराई के करीब ना जाओ। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो ज़ाहिरी हो और जो बातिन हो, जो खुली हुई हो और जो छुपी हुई हो, बुराई के करीब मत जाओ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, कहीं ना कहीं इंसान बुराई करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में कहा, कुल बनी आदम अल खत्ता, तमाम बनी आदम खताकार है, गलती होने वाली है, लेकिन गलती होने के बाद क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस्लाम कहता है गलती हो गई इसके दर्जात है, कुछ गुनाह बड़े होते हैं, कुछ गुनाह छोटे होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इस्लाम ने इस्लामी कानून के तहत सज़ा नाफिस की है। तो गुनाह हो जाए तो सबसे पहले अगर इस्लामी हुकूमत हो और वो सज़ा दिलवाने पर कादिर हो तो उस शख्स को इस्लामी हुकूमत में सज़ा दिलवाई जाएगी,
ताकि वो लोगों के लिए इबरत बन जाए, ताकि लोग उस गुनाह से बाज आए, सजा होती है। और अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है, बावजूद इसके अगर उसको सजा दिलाई जा सकती है तो दिला देना चाहिए, ताकि लोगों को इससे इबरत हासिल हो जाए। लेकिन अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है और सजा दिलाने का कोई चांस नहीं है, तो इस्लाम कहता है कि उसकी बुराई पर पर्दा डाल दो, उसको नसीहत करो, उसकी बुराई पर पर्दा डाल दो, उसकी बुराई को खुले आम मत लाओ, बाजार में मत लाओ, उसकी बुराई को फैलाओ नहीं। क्यों? हो सकता है कि उसकी उस बुराई को फैला करके तुम माशरे के अंदर उस बुराई की कबाहत को कम कर दो, उसकी उस बुराई को फैला करके, उसको बदनाम करके हो सकता है कि वो जरी हो जाए, उसके बाद उसको गुनाह करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है। इस्लाम कहता है कि तुम नहीं फैला सकते, तुम नहीं फैलाओ, बुराई को नहीं फैलाओ। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बुराई को फैलाना, बुराई की एडवर्टाइजिंग करना, बुराई को खुले आम करना, उसकी तशहीर करना, ये बुराई को जन्म देने के बराबर है। और इसी के ज़रिए से माशरे और सोसाइटी के अंदर जो हया का पहलू इस्लाम ने बहुत ज़्यादा मबरूक मुतबर्रक पहलू रखा है, उस पहलू पर आँच आती है। कॉमन मासेस में जब बुराई का आम दौर दौरा हो जाता है तो हया उसके खिलाफ कम हो जाती है, या ये कह लीजिए कि जिसके खिलाफ तुम बुराई के प्रचार कर रहे हो उसकी हया ही ख़त्म हो जाती है। और जिस शख्स की हया ख़त्म हो जाए, जिस शख्स के अंदर से हया निकल जाए, शर्म निकल जाए, तो वो शख्स बदतमीज़ हो जाता है, उस शख्स के अंदर कोई तमीज़ नहीं रहती, फिर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि माँ का दर्जा क्या है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि बुज़ुर्गों का दर्जा क्या है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि फ़लाँ कौन है, हत्ता कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह कौन है। और यह है इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको मुसनद हाकिम ने जिक्र किया है, अल हया वल ईमान कुरिन जमीअ फ़इदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, कि हया और ईमान दोनों एक साथ है, दोनों साथी है, एक को निकाल दिया जाए दूसरा खुद ब खुद निकल जाता है। हया और ईमान, जिसकी हया निकल गई उससे ईमान खुद ब खुद रुखसत हो जाता। दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलाम नबुव्वा इज़ा लम तस्तहि फस्मि मा शी। जिसको इमाम बुखारी ने किताब अल अदब में जिक्र किया है कि नबुव्वत की पहली बातों में से ये बात है कि जिसकी हया शर्म निकल जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी करे। तो इस्लाम ने माशरे के अंदर अमन को कायम करने के लिए हया के पहलू को बहुत ज़्यादा जोर दिया है और कहा है कि बुराई अगर किसी के अंदर पाई जाए उसकी बुराई को नहीं फैलाओ, हत्ता कि उसके ऊपर इनाम भी रखा है, और वो इनाम इतना बड़ा इनाम है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी शख्स को किसी शख्स की बुराई का पता चल जाए तो उस पर पर्दा डाल दे, अगर वो पर्दा डालता है तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उसकी बुराई पर पर्दा डालेगा, छुपाने वाले की कोई अमल नहीं है, उसने छुपाया, बुराई देखा छुपाया।
معاشرے کو بربادی کے دہانے سے نکالنے کا یہ ایک انمول ذریعہ ہے. اس سے پہلے جو خطبہ ہوا, جن باتوں کا ذکر ہوا, اس میں آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی, جنت لے لو, ایک بات جنت لے لو. جنت کا سودا کوئی آسان ہے؟ ہم آئے ہیں دنیا میں, ہمیں زندگی کے پاپڑ بیلنے ہیں, کس لیے؟ جنت کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک بات بتاؤ, جنت لے لو. مَن يَزْمَن لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَزْمَن لَهُ الْجَنَّةِ, کہ کون شخص مجھے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے, میں اس کو جنت کا ذمہ دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی. اور یہی دو چیزیں ہیں جس کو نفس پرستی میں شامل کیا ہے, جس کو ہوا پرستی میں شامل کیا جا سکتا ہے, جس کو نافرمانی میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو معاشرے کے اندر, معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے حیا کے پہلو کو اسلام نے بہت زیادہ مد نظر رکھا ہے. حیا یہ عورت کے اندر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے. عورت کا ایک زیور ہے, اس کا خاص وصف ہے حیا, شرم. اور جب عورت کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے, عورت کے اندر سے شرم نکل جاتی ہے, تو وہ معاشرے کے لیے فتنہ بنتی ہے. اگر عورت بے شرم ہو جائے, معاشرے کے لیے ناسور بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, امام بخاری نے اس کو کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال النساء, کہ میرے بعد میں مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورت ہے. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے, عزت دی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جس نے عورت کو پیدا کیا ہے اس نے اصول بتائے ہیں عورت کو, کہ عورت جب تک اس معاملے میں اس دائرے تک ہوگی وہ عزت والی رہے گی. اگر فلا معاملے میں فلا دائرے سے باہر ہو گئی, ذلیل ہو جائے گی, ذلت اس کا مقدر ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ جب وہ اپنے دائرے سے باہر جاتی ہے اس کی شرم مر جاتی ہے, اور جب شرم مر جاتی ہے تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بنتی ہے, فتنہ بنتی ہے, اور وہ بہت ساری برائیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتی ہے. آج جس دور میں ہم لوگ ہیں, اگر دو تین سالوں سے ہم عورتوں کے تعلق سے ہونے والے کرائمز, جنسی استحصال, ان کے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی, ذہنی اور جسمانی اذیتیں, اس کے بارے میں غور کریں کہ آخر ہندوستان کے اندر بہت سارے قوانین کو مد نظر رکھ کر کے ہندوستان کے قانون میں ترمیمات کی بات آ گئی کہ عورت کے تئیں ہندوستان کے قانون میں ایسی بات ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی عورت پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی مجال نہ رکھے. جس طریقے سے معاشرے کے اندر عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی, جس کے اندر مذہبی رہنماؤں سے لے کر ججوں سے لے کر صحافیوں سے لے کر پتہ نہیں کتنے لوگ اس معاملے میں ایک ساتھ نظر آئے, تو ہندوستان کے
बहुत सारे एनजीओज अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत से राब्ता करने लगे। आखिर ये मामला हुआ कि हिंदुस्तान के कानून में तरमीम हुई, सख्ती हुई। इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम का कानून बन चुका है, इस्लाम का कानून 1400 साल पहले बन चुका है और कयामत तक के लिए ये कानून है। और इस्लाम का कानून ही वो कानून है, इस्लाम ने ऐसे आदाब ज़िंदगी दिखाए हैं कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि इस्लाम के इस कानून पर रह करके मुसलमान माशरा बिगड़ गया। बहुत सारी बातें हुई, तरमीमात हुई, तशद्दुदात और मुतशद्दिद लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी सख्तियाँ पैदा करने की कोशिश भी की, लेकिन सख्ती करना कानून के अंदर ये इस मसले को रोकने का हल नहीं है। इसके लिए एहतियात ज़रूरी है और इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने एहतियातन इन तमाम जराइम से पहले ही एक दरवाज़ा बांध दिया है, एक बाब बांध दिया है। इन जराइम के आने से पहले, होने से पहले उसका सद्देबाब किया है, हर एक को अपना दायरा बताया कि तुम यहाँ रहो तो तुम अमन में रहोगे, अगर इसके आगे गए तो तुम जलील हो जाओगे। इस्लाम ने बहुत पहले बताया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत के अंदर, ख़ास तौर से मैं सियासी लेवल पे बात करूं तो सियासतदानों ने जिस तरह से इस मसले को छुपा करके मसले का रुख बदल दिया, वगरना आज मुसलमान हर स्टेज से इस बात का ऐलान कर दे कि कानून में तरमीमात इस्लाम का शेवा नहीं है। इस्लाम ने 1400 साल पहले अमन का कानून बताया है, पीस का कानून बताया है, अगर इसको मान लो तो कयामत तक के लिए अमन और शांति का गहवारा हिंदुस्तान बन जाए। इस्लाम ने एहतियातन बहुत सारे रास्ते बताए, जैसे कि मर्दों से कहा कि जब तुम औरतों की जानिब देखो तो नज़रें हटा लो, पहली नज़र गिर जाने के बाद तो नज़रें हटा लो। इसी तरह औरतों में कहा कि जब तुम गैर महरम मर्दों से बात करो तो अपनी बात में लचक पैदा नहीं करो, अपनी बात में मस्ती पैदा मत करो, नौटंकी नहीं करो, ये माशरे को ख़राब करने वाली बातें हैं। कुरान ने कहा फला तखज़ान बिलकौल, कि अपने जुमले के अंदर लचक पैदा मत करो, जब भी किसी गैर महरम से बात करो नॉर्मल बात करो, सख्ती से बात करो कि उसके दिल में बीमारी न पैदा हो जाए। फिर बहुत सारे दीवारें रखी, उसके बाद अगर कोई ये जुर्म करता है, जिना करता है, तो इस्लाम ने कहा इसको कत्ल कर दो। बहुत सारे लोग इस्लाम में कत्ल, 10 साल पहले कितना चिल्लाते थे इस्लाम कितना शिद्दत पसंद है, एक गुनाह करने के बाद कहता है कत्ल कर दो। आज यही लोग अपने साथ होने वाली आबरू रेजी के तहत हिंदुस्तान के कानून में जानी को फांसी देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लाम दिक्यानुसी है तो आखिर ये जुमले तुम्हारी जबान पर कैसे आ गए? इस्लाम ने 1400 साल पहले का, अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं कि कौन सा जुर्म कौन सी सजा के लायक है, हमारी समझ में आए या ना आए। तीसरी बात, माशरे के अंदर मुसलमानों की बेराह रवि का, मुसलमानों के अंदर
गुमराही का मुसलमानों के अंदर दीन से दूरी इख्तियार करने का एक और सबब है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान किया है, और वो है म्यूजिक, सॉन्ग्स। म्यूजिक ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने शुरू में कहा कि किसी चीज को बार बार पेश करने से उस चीज की कबाहत कम हो जाती है, और हुआ ऐसे ही। म्यूजिक को ऐसा इस तरीके से माहौल और माशरे के अंदर पेश किया गया और पेश किया जा रहा है कि आज अगर म्यूजिक के खिलाफ कोई बोले तो इस्लाम शिद्दत पसंद है। हालांकि मेरे भाइयों, मैं मुसलमानों से तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक के बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले हैं वो बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। हत्ता कि एक मरतबा हज़रत नाफे अपने उमर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जा रहे थे, कहते हैं समिया इब्न उमर मिज़मार, इब्न उमर ने बांसुरी की आवाज़ सुनी, قال فوضع اصبعه على اذنيه, तो उन्होंने अपने उंगलियों को कानों में डाल लिया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने उंगलियों को कानों में डाल लिया। قال يا نافع هل تسمع شيئا, फिर उसके बाद कहा ए नाफे तुम कोई चीज सुन रहे हो? قال فقلت لا, मैंने कहा नहीं। قال فرفع اصبعه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا, कहा कि मैं एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, ऐसे ही हुआ जैसे आज हुआ कि बांसुरी की आवाज़ आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया जैसे मैंने किया, कानों में हाथ डाल दिया। सहाबा का व्यू क्या था इसके बारे में? अलगिना युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब, गिना गाना बजाना मौसीकी ये दिलों के अंदर निफाक को पैदा करता है। कितना सख्त जुमला है, दिलों के अंदर निफाक का पैदा होना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ज्यादा जानते हैं कि क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है और क्या चीज नुकसानदेह है। मुसलमानों, इसकी घिनौनी, इसके कबाहत को पहचानो, इसके नुकसान को पहचानो। ऐसे देखा जाए तो मौसीकी का रिवाज हर दौर में रहा है, लेकिन हर दौर में मौसीकी को अपनाने वाले अय्याश लोग हुआ करते थे, गंदे लोग हुआ करते थे। मौसीकी को देखने वाले, रक्कासा को देखने वाले, नाचने वालियों को देखने वाले हया से पैकर हुआ करते थे। पहले ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मोबाइल नहीं था, मौसीकी के आलात नहीं थे। हमारे जो बुजुर्ग है वो खुद जानते होंगे कि पहले मौसीकी के आलात नहीं थे, उस वक्त भी मौसीकी का दौर दौरा था, लेकिन उसकी शक्ल, किसी घर में किसी रक्कासा को बुलाया जाता था, वो नाचती थी, गाती थी और लोग देखते थे, और उस घर में जाने वाला बेहया होता था। शरीफ घराने के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, डॉक्टर्स और टीचर्स इसके अंदर ज़्यादा शामिल है, वो लोग इसको, इसकी मजम्मत करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज मौसीकी को हमारे अंदर रिवाज दिया गया, ये एक फिक्रिया लम्हा है, सोचने वाली बात है कि आखिर मुसलमानों ने इस मौसीकी को कबूल कैसे किया। इसकी एक तारीख है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। अलबत्त मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह ऐलान कर दिया था, लयकूनन मिन उम्मती अक्वाम यस्तहिलून अलहर वलहरीर वलखमर वलमआज़िफ, कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो जिना को हलाल समझेंगे, जो रेशम को हलाल समझेंगे, जो शराब को हलाल समझेंगे, और जो म्यूज़िक को हलाल समझेंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसका ऐलान किया था। यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लयशरबन الناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها, कि मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे और उसका नाम बदल देंगे। يعزف على رؤوسهم بالمعازف, उनके सरों पर मौसिकी के आलात होंगे, والمغنيات और गाने वालियां होंगी, يخسف الله بهم الارض فيجعل منهم القردة والخنازير, अल्लाह तबारक व ताला उनको ज़मीन के साथ धंसा देगा और उनमें से बास को बंदर और सुअर बना देगा। ये मौसिकी के बारे में हमारा इस्लाम कहता है, म्यूज़िक के बारे में हमारा इस्लाम कहता है, वो दीन कहता है जो मैन्युफैक्चर है हमारा, वो अल्लाह कहता है, वो ज़ात कहती हैं जिसने हमको बनाया है कि अगर ऐसा करोगे तो तुमको ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इसके बाद बहुत सारी आयतें और हदीसें इसके बारे में दलालत करती हैं कि मौसीकी एक ऐसा जुर्म है जिसकी बुनियाद पर उम्मतें हलाक हुई हैं और आज भी अगर उम्मत इसको अपनाती है तो वो भी हलाकत के दहाने पर पहुंच सकती है। मेरा सवाल है, एक आम सवाल है कि इस मौसीकी को आम करने वाली चीज़ें क्या हैं, इस मौसीकी को लोगों के अंदर फैलाने वाली चीज़ें क्या हैं। इस मौसीकी को आम तौर से खुले आम बगैर किसी झिझक के एक मुसलमान के इस्तेमाल करने की वजह क्या है। अगर मैं इसमें से ओट लेना चाहूं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का जुमला यही होगा कि टेलीविज़न टीवी है। अगर मैं टीवी के मौजू पे आना चाहूं तो मैं ये ज़रूर कहूंगा कि टीवी टेलीविज़न ये तूफान बदतमीज़ी का एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके बारे में मुसलमान तो दूर की बात, गैर मुस्लिम भी ये अपना कमेंट्स करते हैं कि माशरे को बर्बाद करने के लिए टेलीविज़न एक अहम रोल अदा कर रहा है। बहरकैफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगे एक और बात कही, कहा कि आखिरी ज़माने में ऐसा भी होगा निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन ममीलातुन, कि औरतें ऐसी होगी जो कपड़ा पहनी होगी मगर नंगी होगी, मर्दों की तरफ माइल करने वाली होगी, मर्दों को माइल करने वाली होगी और उनकी तरफ माइल होने वाली होगी। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें कही और फिर रुककर अगर मैं ये सवाल करूं कि आज हमारी औरतों का जो लिबास है, आज हमारी औरतों के अंदर जो फैशन परस्ती के नाम पर पहने जाने वाले कपड़े हैं उसके बारे में गौर करो और इस हदीस में उलमा इकराम के अक्वाल को देखो तो हमें पता चलता है कि उलमा इकराम ने इसके अक्वा इस हदीस की शरह में लिखा है कि इसके अंदर तीन बातें हैं और तीनों भी इस चीज़ को शामिल हैं। औरतें कपड़े पहनी होगी मगर नंगी होगी, एक तो ये हो सकता है कि ये नीम बरहना कपड़े पहनी होगी, दूसरा ये है कि कपड़े पहनी होगी मगर इतने चुस्त और टाइट होगा कि उसका नशेब व फराज जाहिर होता होगा, और तीसरा ये है कि कपड़े पहनी होगी मगर वो इतने बारीक होगे कि उनका जिस्म झलकता हो। हम थोड़ी देर के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए, मूवीज़ के तरफ आए और फिर मुसलमानों का जायज़ा लें, क्या ये दोनों बातें आपस में मिलती नहीं हैं? यकीनन मिलती है, और यही वो टेलीविज़न है कि जिसने मुसलमानों की औरतों के और मर्दों के साथ
इतना इंटरेक्शन किया है कि उनके हया को छीन लिया, उनसे हया रुखसत हो रही है। टेलीविजन पे आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में देखो, सीरियल्स के बारे में देखो, और पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में एक आम आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आया ये फिल्म का मकसद रोमांस को पैदा करना है या एंटरटेनमेंट है या फिर कोई सबक सिखलाना है। कितने प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो तूफान बदतमीजी लेकर उठते हैं। मैं अगर कई प्रोग्राम्स का नाम लूं तो ले सकता हूं जिसमें बिग बॉस है, क्या कुछ नहीं करते, और ऐसे मनाजिर हमारे घरों के अंदर, ऐसे मनाजिर हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर, और फिर मुस्लिम माशरा चिल्लाता है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, बच्ची भाग गई घर से, और पता नहीं कितने जराइम उसने जन्म लिए होते हैं, उसका रिजल्ट आने लगता है। जो तरबियत उसने टेलीविजन से ली होती है उसके नताइज आने लगते हैं। और बहुत से बार ऐसा हुआ है कि बच्चा बिगड़ गया, उसने अपने घर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया एक लड़की के लिए। क्या वजह थी? फला फिल्म में देखा था वैसे ही भगाया। ये एक हमारे अंदर बहुत बड़ा फिक्र लेकर उठता है कि आया टेलीविजन के नाम पर हमारे माशरे के अंदर जो बेहयाई फैली जा रही है इसको रोकने में मुसलमान किस बुनियाद पर कामयाब हो सकते हैं? ऐसी कौन सी वजूहात है कि मुसलमान इन तमाम बातों के ऊपर गौर करें? ये तो बहुत दूर की बात कि मुसलमान कभी कहा करता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल मौलूद युलद अला الفطره فابواه يحودانه او ينصرانه او يمجسانه, कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है, फिर उसका बाप उसको यहूदी बनाता है या नसरानी बनाता है या मजूसी बनाता है, उसके बाप की तरबियत जो होती है बच्चा वैसे ही बनता है। आज और हमारे सहाबा का माशरा दोनों में कंपेयर करो तो हमें पता चलता है कि आज हम माशरे के अंदर अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। सहाबा का वो आलम था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बनाना कहती है कि एक बांदी आई, एक बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे। हज़रत आयशा ने कहा इसको काट डालो, इसलिए कि जिस घर में घंटी होती है उस घर में फरिश्ते नहीं आते। ये तरबियत थी हमारी, हमारी तरबियत देखना है तो हमारे सहाबा को याद करो, सहाबियात को याद करो कि जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़ों के तहत बयान करते हैं कि बच्चों से रमज़ान के रोज़े रखवाते थे, रमज़ान के रोज़े ही नहीं बल्कि आशुरा के रोज़े के बारे में आता है, निफली रोज़ों के बारे में आता है कि वो लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से रोज़े रखवाते थे। तरबियत इसको कहते हैं। जब वो रोते थे तो उनको खिलौना दे के चुप कराते थे, तरबियत इसको कहते हैं। इस्लाम ने निफल नमाज, सुन्नत नमाज अपने घर में अदा करने के लिए कहा ताकि बच्चा देखे और तरबियत पाए, तरबियत इसको कहते हैं। इस्लाम ने अपनी तमाम बातें मर्दों के लिए सलाम करके घर में दाखिल होने के लिए कहा, बावकार रहने के लिए कहा, तरबियत इसको कहते हैं। मुसलमानों मुदब्बिर बनो, अपने आप में एक फिक्र को रखो, वरना आने वाला दौर। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा वक्त तो हो चला है लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आने वाला वक्त जो हमारे अंदर करवट ले रहा है, एक नया फितना हमारे अंदर आ रहा है, और आने वाला वक्त ये बताएगा कि ये फितना कितना मजबूत है। ...2009 में दिल्ली कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने होमोसेक्स के बारे में ये ऐलान किया था कि ये हिंदुस्तान के अंदर जायज़ है, हम जिनसी
एक जिन्स अपने हम जिन्स से अपनी ज़रूरत ख्वाहिशात पूरी करे, मर्द मर्द से, औरत औरत से। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जुर्म करार दिया। अब जो लोग हैं, एनजीओज है, नास एनजीओज है और पता नहीं कितने एनजीओज है, इन लोगों ने फिर इस मसले को उठाने की कोशिश की, इस तूफान बदतमीजी को आम करने की कोशिश की है कि इसको किसी तरीके से आम किया जाए। इसके अंदर हमारे साहिब इख्तदार हिंदुस्तान के अंदर कुर्सियों पर बैठने वालों ने भी अपना मौकिफ जाहिर कर दिया और ह्यूमन राइट्स के नाम पर इसको जायज़ करार देने की नापाक कोशिशें की हैं, साजिशें की हैं, और बईद नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को फिल्मों और सीरियल्स के ज़रिए से फिल्माया जाएगा। इससे पहले कि हमारे स्क्रीन पे आए, इससे पहले कि ये फितना हमारे बच्चों की तरबियत का एक नमूना बने, हमें इसके बारे में संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में कुछ प्रीरिक्विजिट्स तैयार करने की ज़रूरत है। हमें इसके बारे में एक संजीदा कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि सियासतदानों से ले करके, साहिब इख्तदार से ले करके, एनजीओ से ले करके, हिंदू कल्चर वाले भी अपने मौकिफ को इस बारे में जाहिर कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर, जिनके बारे में हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा हवा फैलाई थी कि इनके बड़े नेताओं में से हैं, उनका कहना है, होमोसेक्सुअलिटी हैज नेवर बीन कंसीडर्ड अ क्राइम इन हिंदू कल्चर, कि हम जिनसी लूटी काम हिंदू कल्चर में क्राइम नहीं है और नहीं था। ये तमाम मिलकर के इस्लाम के उस कानून को पुकारते हैं, जिस कानून, जिस इस्लाम के उस आवाज को पुकारते हैं, उस काम को हवा देने की कोशिश करते हैं कि जिस काम की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने बस्ती को उठा करके पटक दिया था। इस्लाम में इस काम के तहत जो कानून है वो है डेथ पेनाल्टी, कत्ल। इस्लाम ने इस काम के लिए डेथ पेनाल्टी कही है, कभी भी समझौता नहीं हो सकता। मैं एक मिसाल दूं और अपनी बात को ख़त्म करूं कि अगर मुझे 2 रुपए किलो गेहूं मिला और मार्केट में 30 रुपए किलो गेहूं है, लेकिन मुझे पता है कि वो 2 रुपए किलो गेहूं वाले में बहुत सारी बीमारियां हैं, क्या मैं वो गेहूं खरीदूंगा? भले मुझे सस्ते में मिले, मैं 30 रुपए किलो वाला खरीदूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि इस गेहूं को खाने से मेरा घर तबाह हो सकता है, मेरे बच्चे बीमार हो सकते हैं। मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में मस्त है, फिल्म बीनी में मस्त है, तो आगे आने वाली फिल्मों में ये फिल्माया जाएगा और तुम्हारे हमारे नस्ल को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले अपनी तरबियत की तरफ ध्यान दें, इसके नताइज, इससे बचने के नताइज की तरफ ध्यान दें, इससे बचने के ज़राए को तलाश करें। जिसके अंदर मैं एक बात जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूं, इसलिए कि अगले मुकर्रर यहाँ आ चुके हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना फिल जसद मुस्गा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु वइज़ा फसदत फसदत जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, कि दिलों के अंदर, जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, जब ये टुकड़ा सही होता है पूरा जिस्म सही होता है, और ये टुकड़ा जब गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। हम लोगों को चाहिए कि दिलों की सख्तियाँ एक और मौजू है, इसको ज़रूर सुने, इसको ज़रूर सुने। अगर कोई जाने का प्लान करता हो तो मगरिब बाद के लिए रुक जाएं, इसलिए कि ये बहुत अहम मौजू है और यही इस्लाम की बुनियादी हकीकत है कि अगर ये सुधर गया तो पूरा जिस्म सुधर जाएगा,
जिस्म सुधर गया माशरा सुधर जाएगा। और इस्लाम इसी को कहते हैं कि माशरे को पाक रख कर के क़यामत तक के लिए चले जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मामले की संगीन और जुर्म के संगीनियत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जुर्म को उभरने से पहले जितने जराइम उभरे हैं उससे हमें तौबा करके इस पर इसका सद्देबाप करने की तौफीक अता फरमाए, और जो जुर्म उभरने के अंदेशे हैं इस जुर्म को उभरने से पहले अपनी नस्ल की हिफाजत करें। यह किसी एक आदमी का काम नहीं, पूरी सोसाइटी का काम है, समाज का काम है, पूरे इस्लामी कल्चर का काम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल हलीमुल हकीम। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।